बहुत ही प्रीमियम रोल है, इस तरीके से इंटीरियर इमेज आ जाएगी कि लोगों को पता चल जाएगा ये लगने के बाद इसका कैसा लुक आएगा, तो इस तरीके से इसका लुक आएगा। से अगर आपको किसी ऑफिस में देना है तो आप इस तरीके के रोल्स ले सकते हैं। मैं लाइट कलर इसलिए दिखा रही हूँ, मोस्टली आजकल लोगों की चॉइस लाइट हो गई है और घरों के साइज छोटे हो गए हैं। क्या बात है, क्वालिटी बहुत अच्छी है बिल्कुल, और काफी हैवी 2 से 2.5 किलो का ये रोल है। किस तरीके से आप लोगों को मिल जाएंगे? जैसे लाइट कलर आप देख रहे हैं, ये एक टेक्सचर देख रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। एक ये देख रहे होंगे आप कि जिस तरीके से डिजाइन रहेगा उसके साथ जो इंटीरियर इमेज आएगी वो प्रॉपर इस तरीके से। दोस्तों देखिए, पूरा मार्बल वाला फील आप लोगों को देखिए इस तरीके से मिल जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने वॉल पे मार्बल लगवा रखा है। बिल्कुल, इसमें एक ये डार्क कलर मिल जाएगा आपको, बहुत सारे इसमें देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत ही लाइट, बहुत सोबर कलर है। आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं मानस और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सफरनामे में। दोस्तों वीडियो होने वाले एक बार फिर से बहुत ज़्यादा जोरदार एकदम धमाकेदार वीडियो आज आप लोग ले फिर से लाए हूँ। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि भाई आप लोगों को अपने घर को सजाना है यार, मतलब अपने घर को शानदार बनाना है, तो आज मैं आप लोग को एक बार फिर से बहुत ही ज़बरदस्त स्टोर पर लाया हूँ। और आप ये मान लीजिए मतलब इंडिया का सबसे बड़ा वॉलपेपर स्टोर ये पूरा होने वाला है, और यहाँ पर आप लोगों को एक से एक बेहतरीन डिज़ाइन मतलब प्रीमियम क्वालिटी के पूरे वॉलपेपर्स बेसिकली यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वॉलपेपर भी मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल ग्रास ही मिल जाएगा, पेंट वगैरह मिल जाएगा, होम पैनल्स वगैरह भी, मतलब काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं और सबसे ज़बरदस्त प्राइस पे। तो यहाँ से आप लोग रिटेल होलसेल जैसा भी आप चाहो और यहाँ पे डील कर सकते हैं, तो हर तरीके से आप लोगों के यहाँ पे क्वेरी सॉल्व होने वाली। किसी को अगर अपने घर का इंटीरियर भी कराना हो तो हर तरीके से आप लोग यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली आप लोगों को पूरी गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के फिर से ले आया हूँ रेड एंड वाइन डेकोर प्राइवेट लिमिटेड पे। तो चलिए मिलते हैं मैम से, देखते हैं इस बार की हमारी क्या वैरायटी होगी, क्या प्राइसिंग है, न्यू कलेक्शन क्या आ गई है, सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ शोरूम के अंदर और यहाँ पे सफलता में मेरे साथ एक बार फिर से आ चुकी है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो मैम हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनके एक बार बताया जाए रेड एंड वाइन किन किन प्रोडक्ट्स वगैरह में डील करता है, क्योंकि काफ़ी नए लोग जुड़े जाते हैं, उनको थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए अपने बारे में। बिल्कुल, नमस्कार, मैं सफलता अरोरा, डायरेक्टर ऑफ रेड एंड वाइन डेको। जो वॉलपेपर्स पे हम डील करते हैं, जितने भी तरीके के वॉलपेपर्स होते हैं, 2D, 3D, 4D, और आजकल तो कस्टमाइज वॉलपेपर्स, जैसे कि आप मेरे पीछे इस तरीके के प्रिंट्स देख रहे हो, उसमें स्पिरिचुअल डिज़ाइन, बच्चों से रिलेटेड डिज़ाइन, पता नहीं कितने तरीके के डिज़ाइन होते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं, वो सब अभी मैं आपको बताऊंगी। तो सभी भी तरीके के वॉल पैनल्स में हम फोम पैनल्स जो होते हैं उसमें, आर्टिफिशियल ग्रास में, वर्टिकल गार्डन में, सब में डील करते हैं। मतलब बात किया जाए तो अगर घर में किसी को वॉलपेपर लगवाना हो, कमर्शियल स्पेस में लगवाना हो, लेटेस्ट डिजाइन लगवाना, तो आप लोग मैम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप डॉक्टर्स के क्लिनिक पे लगाना हो, हॉस्पिटल्स, बच्चों के स्कूल में, जिम में, कैफे में, घरों के अंदर, कहीं पे भी आप लोगों ने वॉलपेपर्स लगाना हो, क्योंकि वॉलपेपर वॉल के ऊपर पेस्ट होता है, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। इवन आप इसको प्लाई के ऊपर भी प्राइमर करा के लगा सकते हैं, अगर ऑफिस वगैरह आप तैयार कर रहे हैं, पार्टीशन दे रहे हो, तो सनमाई के लगवाने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी हो जाता है, सिंपल प्राइमर कराइए और अपने हिसाब से वॉलपेपर लगवा दीजिए, इसमें बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग टेक्सचर, मतलब लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट पैटर्न जो भी होता है वो यहाँ पर रेड एंड वाइन पे मिल जाता है आप लोग। रेड एंड वाइन का सबसे मेन फोकस ये रहता है कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ट्रेंडी डिजाइन जो है वो ट्रेंडी डिजाइन मैं यहाँ लाती रहती हूँ, हर महीने यहाँ डिजाइन चेंज होते हैं मेन फोकस, क्योंकि जितना भी स्टोर पे आप डिजाइनिंग देखोगे ऑलरेडी सारे डिजाइन मेरे खुद के सिलेक्ट किए होते हैं, उसके बाद ये फ्लोर पे आते हैं। तो डोंट वरी, इसमें हजारों पैटर्न्स होते हैं, आपको यहाँ बहुत डिजाइन देखने को मिलेंगे, टेक्सचर्स लीजिए, नॉन वूवन लीजिए, इसमें अलग अलग क्वालिटीज आती हैं, इवन बहुत अच्छे फॉइल आते हैं जो नॉर्मल मार्केट से बिकने वाले रोलों से जो आप लोग लेते हैं उनसे काफी डिफरेंट होता है, उसके लिए स्टोर पे विजिट कीजिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, कई लोगों की डिमांड आती है कि उनको इंटीरियर वगैरह भी करवाना है, मतलब अपने इंटीरियर के मैचिंग भी लोगों को वॉलपेपर वगैरह लगवाना है, तो वो सारी चीजें भी आप करवा देते हैं यहाँ से? बिल्कुल, देखिए सबसे क्या होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था, आजकल इंटीरियर कोई नहीं, मोस्टली 90% लोग हमारे खुद बहुत समझदार हैं, इंटीरियर घरों का कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंटीरियर में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कलर थीम। कोई भी इंटीरियर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये होता है कि इस कलर, इस रूम में हमें ग्रे, व्हाइट, किस तरीके की थीम है, वो आप थीम माइंड में आपको जो सेट होती है उसमें सबसे ज्यादा जो आप लेके चलिए 60 से 70% अगर किसी का रोल होता है तो वॉल टेक्सचर्स का, यानी कि वॉल पे लगने वाले वॉल पेपर्स का, उन पेपर्स को आप पहले परचेज कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने,
मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले इंटीरियर के लिए सोफा बेड ये सब ले लेते हैं, देन हमारे पास आते हैं। कभी ऐसे मत कीजिए, सबसे पहले वॉलपेपर पिक कीजिए, उनके वॉलपेपर का जो मेन पैटर्न है उसके साथ के जो साइड वॉल में टेक्सचर्स आपने चाहे तो वॉलपेपर में भी टेक्सचर ले सकते हैं, और अगर आप पेंट करा रहे हैं तो इससे रिलेटेड मतलब इससे मिलता जुलता ही पेंट अपने वॉल पे कराइए। बहुत शाइनी वॉलपेपर है तो आपको बटा वैसे थोड़ा डल साइड वॉल कराना पड़ेगा, तो प्लीज पहले वॉलपेपर लीजिए, देन उसके बाद अपना इंटीरियर का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाइए। अभी मैंने बात की थी कॉस्टमाइज की, जो आजकल बहुत इन है, और इसके लिए जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे पास मशीन है वो डिफरेंट होगी, उस पर फैब्रिक आप चाहें तो कपड़े के ऊपर जो टेक्सचर होता है वो आप उस तरीके के लेदरेट जैसे सोफे वगैरह आप देख रहे हैं या फिर इस तरीके के वॉलपेपर्स जो आप इम्बोजिंग के साथ देख रहे होंगे, बहुत सुंदर वॉलपेपर है जी। और आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये सब रेड एंड वाइन की अपनी मैन्युफैक्चरिंग रहती है। तो हमारी कंपनी से अगर आपने इसको परचेज करना है तो आप एक बार स्टोर पे विजिट कीजिए। यही नहीं, इससे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन चाहें तो आप अपने बच्चों के रूम में लगाइए, चाहें तो आप स्कूल्स में लगाइए। किसी कॉन्सेप्ट आपको कुछ किड्स का पैटर्न लगाना है, कुछ कार्टून का वहाँ पिक्चर देना है, स्पिरिचुअल है, स्पा में चाहिए तो आप वहाँ के पैटर्न्स ले सकते हैं। इसी में आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिस तरीके से इसमें क्वालिटीज की बात करते हैं, तो इस तरीके की क्वालिटीज आ जाएंगी इसमें। ये हमने 3 क्वालिटीज लगा रखी है। रीजन ये कि इसमें हम आपको डिफाइन करेंगे कि कौन सी क्वालिटी बेटर है, मतलब देखिए हर चीज में ये होता है कि बेटर क्वालिटी आती है, तो जिनका जितना बजट है उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे इस पेपर पे इसकी ये कॉस्टिंग आएगी। और दूसरा सबसे मेजर पॉइंट, ये जो पेपर है ये आपके पास पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसके प्रिंट होते हैं। सब पेपर क्वालिटी के प्राइजेस अलग होते हैं, तो जितना भी आपका वॉल का साइज होगा प्रॉपर साइजेस लेके अपने घर के, चाहे वॉलपेपर हो चाहे कस्टमाइज वॉलपेपर हो, अपने घर से जब आप चलते हैं तो 3 जरूरी बातें जो हमेशा याद कर रखिए। पहला ये कि घर की वीडियोस और फोटोग्राफ्स लेके आइए जहाँ आपने वॉलपेपर लगाना है, उससे हमारी आपको इंटीरियर गाइडेंस जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ इंटीरियर गाइडेंस रेड एंड वाइन में मिलती है वो मिलती है, उसमें हमें ईजी हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि आप अपने वॉल के प्रॉपर साइजेस लेके आइए कि आपको वॉलपेपर कहाँ लगाना है और किस तरीके से लगाना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो इसके फिक्सिंग होती है, वो माइंडसेट लोगों का होता है कि फिक्सिंग शायद इंक्लूड होती है, ऐसा देखिए कहीं पे कोई फिक्सिंग इंक्लूड नहीं होती। ये सब फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं। हाँ, हमारे पास जितने प्रोफेशनल, क्योंकि मैं खुद इंटीरियर का है तो मेरे सारे ही जितने भी आपके लगाने वाले हैं वो प्रॉपर ट्रेंड है। इसमें जो एडहेसिव यूज होता है वो हम उनको सिर्फ अपनी कंपनी का देते हैं, क्योंकि एडहेसिव का एक वॉलपेपर पे बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है। वो वॉलपेपर चाहे आप 500 का लीजिए, चाहे 5000 का लीजिए, 10000 का लीजिए, अगर एडहेसिव की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वॉलपेपर अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, वो फिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अच्छा, जैसे हमने कस्टमाइजेशन की बात की है तो उसमें मैम कॉस्टिंग क्या पड़ जाती है? जैसे यहाँ पे 3 फोटोज हमने लगा रखी है, एक में आपका डिटेलिंग ज्यादा बेटर है, एक में कलर का थोड़ा बहुत अंतर दे रखा है, तो कॉस्टिंग क्या पड़ जाती होगी? इसमें कलर का कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें क्लियरिटी का फर्क आता है, ठीक है ना। दूर से हम जितना इसको देखते हैं सभी अच्छे लगते हैं, अगर हम इसके आगे इसको देखेंगे तो ये बेटर लगेगा, इसके आगे इसको देखेंगे, इसके बाद भी मैं और दिखाऊंगी आपको। तो इनके चार्जेस जो हैं वो हमारे पास 55-60 रुपीज से शुरू हो जाता है, जैसे हाँ जी जो मैं प्राइजेस बता रही हूँ, प्लीज आप लोग वीडियो के ये मत बोलिएगा मैं आपने 60 रुपीज ही बोला था, नहीं स्टार्टिंग बता रही हूँ। प्राइजेस मार्केट में क्योंकि फ्लक्चुएशन इनमें आता है प्राइजेस में, बट ऐसा कुछ नहीं है, वॉलपेपर ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। अगर आपका 3 BHK है तो आप 3 कमरों में वॉलपेपर लगा रहे हैं, तो एक ड्राइंग रूम में छोटी सी वॉल 10x10 की एनहांस करनी है, सेल्फी कॉर्नर क्रिएट करना है, दिवाली वगैरह पे पिक्चर्स लेनी है, तो आप उस एरिया में कस्टमाइज इस तरीके के देके अपने घर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं रोल्स वगैरह की बात करूँ तो इसमें क्या क्या डिजाइन, क्या क्या वैरायटीज मिल जाएगी रोल्स में? बिल्कुल, ये आप जैसे कि सारी सी डिस्प्ले देख रहे हैं, इसमें हजारों पैटर्न्स लगे हुए हैं, सारे डिस्प्ले नहीं किए जाते, किए जा सकते हैं, और भी पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं लगाया, ये 21 इंचेस का रोल है, ठीक है, 57 स्क्वायर फिट मटेरियल है, 10x5 के एरिया में ये एक रोल लगता है, यानी 50 स्क्वायर फिट। अब 757 बोला तो आप सोचेंगे 7 स्क्वायर फिट का क्या होगा, इसकी पत्ती से पत्ती फूल से फूल को मैच करने में 7 स्क्वायर फिट वेस्ट जाता है कटिंग वगैरह में। दूसरा अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इसमें वॉलपेपर का मतलब सिर्फ वॉलपेपर नहीं होता, रेड एंड वाइन का मेन फोकस यही रहता है। सबसे बेस्ट और ट्रेंडी वॉलपेपर्स
मैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकूं। बिल्कुल। तो इसमें अलग अलग डिजाइन आते हैं, जैसे कि आप एक ये देख रहे हैं, क्वालिटी आपको रेड एंड वाइन से अगर आप रोल लेते हैं, नो डाउट सारे प्रीमियम रोल्स होते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, इवन आप आइए फील कीजिए। और जो पुराने वायर्स हैं जो ले रहे हैं, उसमें आपको लोगों को पता भी होगा कि रेड एंड वाइन क्वालिटी में ही डील करते हैं। और मेरा मेन फोकस ही रहता है क्वालिटी को लेके। इस तरीके से अगर आपको किसी ऑफिस में देना है तो आप इस तरीके के रोल्स ले सकते हैं। मैं लाइट कलर इसलिए दिखा रही हूँ, मोस्टली आजकल लोगों की चॉइस लाइट हो गई है और घरों के साइज छोटे हो गए हैं, तो थोड़ा सा ये रहता है। अगर हम डार्क की बात करते हैं, इस तरीके से मेटेलिक में आ जाएगा, ग्रे है ये, तो ये बहुत सुंदर लगता है वॉलपेपर। आप डिजाइन देख सकते हैं, एक से एक आप लोगों को अनकॉमन डिजाइन, अनकॉमन पैटर्न मैम के पास ही मिलेंगे। और पेपर की क्वालिटी देखिए, बिल्कुल डिजाइन जो मैं आपको दिखाऊंगी सारे ही बहुत डिफरेंट, मार्केट में मिलने वाले डिजाइनों से बहुत डिफरेंट डिजाइन पे ही मेरा फोकस रहता है। रीजन ये कि मैं आपको बताऊं कि डिजाइनिंग अगर अच्छी नहीं है तो फिर वॉलपेपर लगाने के बाद भी मजा नहीं आता। तो मेन डिजाइनिंग का ही, क्योंकि इंटीरियर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है ये, तो इसमें डिजाइनिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसकी आप ये देखिए, इवन इसकी क्वालिटी, क्या बात है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और काफी हैवी, 2 से 2.5 किलो का ये रोल है। इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल। लाइट कलर में अगर आपको देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। राइट। अब मैं आपको थोड़ा और इससे भी प्रीमियम दिखाऊंगी डिजाइंस, तो चलिए मैं आपको और प्रीमियम डिजाइंस दिखाती हूँ। जैसे कि आप एक ये देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रीमियम रोल है। इस तरीके से इंटीरियर इमेज आ जाएगी कि लोगों को पता चल जाएगा ये लगने के बाद इसका कैसा लुक आएगा। तो इस तरीके से इसका लुक आएगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइंस आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको ये एक डिजाइन दिखाना चाहूंगी, बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। अगर टेक्सचर्स आप चाहते हैं तो इस तरीके से आप टेक्सचर ले सकते हैं अपने इंटीरियर के हिसाब से। एक ये डिजाइन आ गया आपका, इस तरीके से ये डिजाइनिंग रहेगी, ठीक है। और इसके साथ इंटीरियर इमेज कुछ अगर आप चाहते हैं जैसे टेक्सचर्स की, तो इस तरीके से उसके टेक्सचर्स वगैरह आपके आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जैसे लाइट कलर आप देख रहे हैं, ये एक टेक्सचर देख रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। एक ये देख रहे होंगे आप कि जिस तरीके से ये डिजाइन रहेगा, उसके साथ जो इंटीरियर इमेज आएगी वो दोस्तों देखिए, पूरा मार्बल वाला फील आप लोगों को देखिए इस तरीके से मिल जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे अपने वॉल पे मार्बल लगवा रखा है। बिल्कुल। इसमें एक ये डार्क कलर मिल जाएगा आपको, बहुत सारे इसमें देखिए, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही लाइट, बहुत सोबर कलर है। ये टेक्सचर्स है, किसी भी निश को हाईलाइट करना है, सीलिंग में शैंडलियर के नीचे आपको देना है, या जिनकी बहुत सोबर चॉइस है उनको ये लगाना है। ये टेक्सचर्स देखिए, अब सारे ही प्रीमियम रोल्स हैं। बिल्कुल। इस तरीके के सारे ये देखिए आप, ये टेक्सचर जैसे आप देख रहे हैं, इसके साथ आपको एक ये मिल जाएगा। इसका इंटीरियर इमेज देखिए कितनी सुंदर है, इस तरीके से लगने के बाद इसका ये लुक आएगा, ये बताया गया है। जैसे ये आप देख रहे हैं इंटीरियर इमेज, इस तरीके के डिजाइन रहेंगे। इसमें एक लीव्स वाला पैटर्न आएगा, मैं आपको वो दिखाऊंगी। अच्छा, कॉस्टिंग की बात करें तो हम ये जो रोल हम दिखा रहे हैं, ये नियर अबाउट किस प्राइसिंग में होंगे? देखिए, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो प्रीमियम रोल्स जो है हमारे पास 2000 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, प्राइजेस सबके अलग अलग होते हैं, मैं सिर्फ इसका प्राइस नहीं बता रही हूँ, 2000 से प्राइजेस शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और उसका रीजन यही है, देखिए कि जो रोल्स मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ 100% वैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ स्टॉक फिनिश भी हो जाता है, तो फिर कस्टमर्स कहते हैं मैम आपने तो ये दिखाया था, इवन मेरे पास तो कस्टमर्स बहुत दूर दूर से, बैंगलोर से, नेपाल से, अलग अलग शहरों से आते, परेशान होते हैं। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहूंगी लेकिन क्योंकि 1-1.5-2 साल का कैटलॉग्स भी आउटडेट हो जाते हैं, थोड़े स्टॉक फिनिश होता है तो खत्म हो जाते हैं। इस तरीके के टेक्सचर्स रिलेटेड हो गया, इसमें एक ग्रीन लीव्स का पैटर्न आ जाएगा, ये भी बहुत सुंदर लगता है। आपको तरीके के टेक्सचर्स देने, आप इस तरीके के टेक्सचर्स दे सकते हैं। इसमें एक ये टेक्सचर बहुत सुंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटलॉग्स हैं, जैसे कि आप ये प्रीमियम में देख रहे हैं, फॉइल बेस्ड वॉलपेपर है, इसकी क्वालिटी देखिए। अरे वाह, मैं कैटलॉग में दिखा रही हूँ, पूरी लेदरेट की फील देगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस तरीके की इंटीरियर इमेजेस रहेंगी। और आप देखिए कितना थिक दे रखा है दोस्तों, इसका मतलब काफी हैवी में, देखिए क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी रहती है। और आपको अगर इंटीरियर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या देखिए डिजाइनर इंटीरियर करें अलग चीज है, बट कितने भी इंटीरियर डिजाइनर अगर डिजाइन करते हैं तो कस्टमर्स का अपना भी ये रहता है कि मेरे को कैसे कलर्स ऐड कराने हैं कुछ है। तो थोड़ा आप लोग भी अपना आइडिया दीजिए कि सामने वाला जो आपको डिजाइन कर रहा है, एटलीस्ट उसको ये तो हो कि आपको भी नॉलेज है। तो उसके लिए हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं, अगर आप ये वॉलपेपर परचेज कर रहे हो तो आपको इसके साथ सपोर्टिंग कलर्स इस तरीके के यूज करने हैं।
इंटीरियर में, जैसे सोफा हो गया, रनर हो गया, कुशन हो गया, तो वो आपके इंटीरियर को और अच्छा इन्हांस करेगा। बिल्कुल इस तरीके की डिजाइनिंग रहने वाली है। मैं इंटीरियर इमेजेस के साथ आपको दिखाना चाहूंगी ये लगने का कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये वॉलपेपर है, और लगने के बाद इस तरीके से इसकी फील आएगी। तो कोई भी अपने घर में लगा के पूरा इस तरीके से मिल जाएगा। बिल्कुल फॉइल बेस है, जिस तरीके की लाइटनिंग रहेगी उस तरीके के इफेक्ट्स आएंगे। नो डाउट बहुत सुंदर लगता है। आप लोग भी अपना घर बहुत सुंदर बना सकते हैं, घर नया हो या पुराना, वॉलपेपर से नो डाउट सारी घर का इंटीरियर टोटली चेंज हो जाता है। आप देखिए इसमें बहुत शेड्स हैं, ये देखिए बहुत सुंदर कलर है, और इसमें अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाएंगे इंटीरियर में। रॉयल टच भी देखिए आप लोगों को इस तरीके से मिलने वाला है। बिल्कुल ये देखिए कितना सुंदर है, इस तरीके के टेक्सचर्स रहेंगे। सिर्फ टेक्सचर्स लगा के भी अपने घर, अगर घर छोटा है आपको लगता है नहीं फ्लावर्स लगाने, तो आप ऐसे टेक्सचर का यूज कीजिए और वहाँ हाईलाइट कीजिए अपना फर्नीचर वगैरह। डिसेंट एक लुक आती है। मैं आपको इंटीरियर इमेजेस के साथ ये देखिए, आप इंटीरियर इमेज ये देखिए बहुत सुंदर, इस तरीके से आप ये देखिए जैसे होटल्स वगैरह के रूम होते हैं सेम वैसे ही देखिए आप लोगों का भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बेडरूम का फील देखिए इस तरीके से होने वाला है। जैसे कि ये इसमें शेड आ गया। अब इसमें क्या है, एक ही आप कहोगे एक ही कैटलॉग में इतने सारे पैटर्न्स तो सेम है सब, बट कलर्स अलग क्यों? देखिए इसमें किसी ने अपने रूम में अगर थोड़ा सा रोज गोल्ड का फील देना है तो इसमें ये टोन आ रही है। बॉटल ग्रीन की थीम ऐड करनी है तो उसमें ये आ रही है। इंटीरियर में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इंटीरियर में लगने वाले वॉलपेपर्स हैं, तो इनके कलर कॉम्बिनेशन आप डिसाइड कर सकते हो। इसके साथ इस तरीके की कलर थीम जाएगी तो आप इस तरीके से अपना इंटीरियर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिजाइन मिल जाते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो अपने पास वॉलपेपर कितने से स्टार्ट मिल जाएगा, मतलब बेसिक वाली जो रेंज होती है कितने की मिल जाती है? अगर स्टार्टिंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ रोल लो टू हाई रेंज रहती है, जिनका कम बजट है उनको भी यहाँ पे रोल्स मिल जाएंगे। बेसिक स्टार्टिंग अगर आप हमसे पूछते हैं तो 500 रुपए से शुरू हो जाता है और 10-15-20 हज़ार तक के रोल्स आते हैं। तो सबसे क्योंकि जो आप नॉर्मल हमारे पास से जो रेड एंड वाइन से आप 500 वाला रोल भी लोगे ना, वो भी स्क्रैप का रोल नहीं होता, बी ग्रेड का रोल नहीं होता जो अंदर से प्रॉब्लम निकले या कुछ ऐसा हो, क्योंकि स्क्रैप के रोल्स हर जगह आपको पता सेल हो रहे हैं। अब परेशान होते हैं कस्टमर, क्योंकि वो ये तो देख लेता है सस्ता है, बट उसके बाद एक इंसान सोच के गया कि मैंने अपने घर में रोल लगाना था, 1000 रुपए का बजट निकाला किया, और वही रोल जब खराब निकलता है कुछ तो दुख तो होगा। तो यहाँ मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बेसिक रोल में भी? 99% नहीं आता, 1% में फिर भी बोल के चलती हूँ। क्यों? क्योंकि रोल्स मैं नहीं बना रही, कंटेनर्स आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत वैसे आती नहीं, अगर आए तो उसके लिए आपको चेंज कर दिया था। वैसे हमारे पास कभी कंप्लेंट आई नहीं है टच वुड। और बाकी वो भी आपको जो रोल्स मिलेंगे, हम जो स्टॉक आउट मतलब जो हम स्टॉक अपना फिनिश करते हैं वो हम कम रेंज में आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। इसकी वजह से कस्टमर को कभी कभी अच्छे रोल्स एक बहुत अच्छे बजट में मिल जाते हैं, मतलब प्रीमियम रोल भी आपको जो है अच्छे प्राइसिंग मिल जाएगा। बिल्कुल बजट में मिल जाते हैं तो वहाँ उनके लिए अच्छा होता है और मेरे कस्टमर खुश होते हैं। तो मेरे को तो लगता है कि कस्टमर सैटिस्फेक्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल रेंज दिखाऊंगी, जैसे कि आप एक ये रोल देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर है, आप अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। बाकी इसमें अगर 3D इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसका भी आप देखिए कैफेटेरिया वगैरह में लगाने के लिए चल जाता है। बिल्कुल, आजकल तो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न लोगों को बहुत पसंद आता है, तो इस तरीके के रोल। इसमें अगर आप कलर चाहते हैं तो इसमें आजकल ब्लैक लोगों को बहुत पसंद है, तो आप इस तरीके से ब्लैक कलर ले सकते हैं। प्रॉपर 3D इफेक्ट है ये, तो आप ये ले सकते हैं। ये सारे ही रोल्स आप जो देख रहे हैं आपको 1275 की रेंज में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये रोल एक आएगा, ये बहुत सुंदर है। एक ये रोल है आपका, मतलब डिजाइन दोस्तों देखिए आप लोगों को एकदम अलग अलग, सबके प्राइसेस अलग अलग है जी। मतलब मैं आपको रेंज आपने पूछी तो मैंने बताया आपको कि 500 से शुरू हो जाता है, बट सभी रोल 500 के नहीं, 500 से लेकर के कस्टमर क्या होता है एक्चुअली 500 पकड़ते हैं जी। बट ऐसा नहीं है, सब स्टार्टिंग जो है 500 से शुरू हो जाती है सब रोल्स का, उनके टेक्सचर्स और प्लस मेरा जो क्वालिटी, जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। रीजन ये, दूर से देखिए इसकी शिमर, आप देखिए मानस जी, कस्टमर्स आपके फेथ पे आते हैं। बिल्कुल, इसलिए आप उनको सही से बताइएगा जो आपको ठीक लगे। नहीं, नहीं। क्या आपको इसमें ग्लिटर या कहीं क्लैरिटी में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है? कुछ भी दिक्कत नहीं है मैम, ग्लिटर क्योंकि आप यही जो बोलेंगे कस्टमर आपके फेथ, तो वही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप क्वालिटी देखिए। लगने के बाद जितनी दूर से इसको देखेंगे ना, इसकी ब्यूटी उतनी अच्छी है, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्वालिटी को लेकर रहता है। इसके ग्लिटर्स का देखिए आप, क्वालिटी वाला पूरा वॉलपेपर आप लोगों को देखिए। ये देखिए आवाज सुनिए, वाओ
क्लियर थी, डल नहीं है, डल नहीं है कुछ भी, सब बहुत अच्छा है। क्योंकि एक एक रोल को ना मैं खुद मंगा के देख के इवन अपने साइट्स पे यूज कराने के बाद डिस्प्ले में लेके आती हूँ कि मेरे कस्टमर्स के लिए ये, किसी को अगर डार्क एक रूम हाईलाइट करना है, बेड के पीछे वॉल हाईलाइट करना है, आप ये अगर आपको चाहिए कि इसके साथ मुझे साइड वॉल चाहिए, साइड वॉल में अपने पेंट की जगह, तो आप इस तरीके के टेक्सचर्स ले सकते हैं। प्लेन टेक्सचर्स में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लाइट कलर के टेक्सचर्स भी मिल जाएंगे पेंट की जगह, आप जैसे इस तरीके के एक सेकंड टेक्सचर्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ये टेक्सचर एक देख रहे होंगे, अच्छा, ये साइड वॉल पे आप यूज कर लीजिए, ठीक है, और मेन वॉल पे आप वो रखिए, इसकी टेक्सचर की ब्यूटी देखिए, ओके, और प्लेन नहीं है, आप इसको देखिए, एक एक मत पैचेस आपको क्लियर दिखेंगे, इनकी क्वालिटी, ग्लिटर इफेक्ट आपको दिखेगा, शाइनिंग इसमें भी दे रखी है, और इस तरीके से पैक रोल आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। अगर आप स्टोर से लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, प्लस अगर आप कोरियर कराते हैं तो जो कोरियर चार्जेस और 18% जीएसटी होती है वो कस्टमर को पे करना होता है। ओके, ठीक है। अच्छा मैम, इंस्टॉलेशन का भी बताइए, इंस्टॉलेशन पर रोल कितनी पड़ जाती है? देखिए, इंस्टॉलेशन दिल्ली एनसीआर में 300 रुपए पर रोल है, ठीक है, बाहर का मैं नहीं बोलती क्योंकि लोग बोलते हैं जी हम प्रोवाइड कराते हैं, वो सब फ्रीलांसर्स होते हैं लड़के, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, सिर्फ हमारी इंस्टॉलेशन जो हम हैं दिल्ली एनसीआर, सोनीपत, गुड़गांव, इन जगहों पर प्रोवाइड करा देते हैं, इससे बाहर अभी हम नहीं कराते। बाकी आपको इंस्टॉलेशन के लिए आजकल कारपेंटर शॉप्स पे भी देखिए, आप वो लोग भी रख के बैठे हुए हैं, तो आपको इंस्टॉलेशन आराम से हो जाती है, इतनी टेंशन इंस्टॉलेशन की मत लीजिए। इसके अंदर जो यूज होता है एडहेसिव, वो भी आपको कंपनी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एडहेसिव का एक रोल रहता है, बहुत अच्छा वॉलपेपर, मैंने बोला ना आपको सस्ता हो या महंगा, लेकिन एडहेसिव का एक रोल रहता है। हैवी में अगर हम जाते हैं मानस, तो इस तरीके का रोल आता है, इसका वेट आप देखिए, ये 3 किलो के आसपास का रोल है, वो देखने से ही लग रहा है काफी हैवी पेपर की क्वालिटी दे रखी है, देखिए ये देखिए इस तरीके से हैवी रोल है, मतलब पूरा फैब्रिक वाला फील देखिए आप लोगों को इस तरीके से मिलने वाला, ये देख सकते हैं आप लोग, साउंड सुनिए, बहुत ही बढ़िया कलर डिटेलिंग देख सकते हैं, शार्पनेस, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे आपको डिजाइन इसमें मिल जाएंगे। अगर हम मार्बल में थोड़ा सा जाते हैं, किसी को डार्क कलर चाहिए, बड़ा एरिया है, हाईलाइट करना है, तो आप इस तरीके का रोल ले सकते हैं, इसमें डिजाइनिंग तो आपको बहुत सारी मिलेगी, इवन हमारे पास और भी प्रीमियम कोरियन, इटालियन, अलग अलग क्वालिटी, कैनेडियन, अलग अलग तरीके के वॉल पेपर्स है, तो वैरायटी बहुत है, वैरायटी इतनी दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल माना, आपसे माफी मांगना चाहूंगी, मैं नहीं दिखा सकती आपको, जो हमने न्यू कलेक्शन बेसिकली वही आप लोगों को दिखाएं ताकि आपको एक आइडिया लग सके, तो आप स्टोर पे आइए, ज्यादा बेटर, आप लोगों को यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिलेगी, हर तरीके से आप लोगों को वॉलपेपर की पूरी कंप्लीट कलेक्शन रेंज यहाँ पे मिलने वाली है, बिल्कुल। और एक चीज आप लोगों के वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग जब भी कॉल कीजिए हमें 10 बजे से लेकर 7 बजे कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉल सेंटर इसी टाइम पे ओपन रहता है, बाकी सारी टीम अपने अपने घरों में चली जाती है, तो क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो कस्टमर्स कहते हैं फोन पिक नहीं हो रहा या कुछ है, देखिए आप अगर वर्किंग आवर्स में फोन करेंगे तो जरूर पिक होगा, हो सकता है हमारी लाइंस बहुत बिजी रहती है, क्योंकि पैन इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर से भी बहुत कॉल्स फ्लो रहता है, तो हो सकता है स्किप हो जाए, लेकिन आप ट्राई कीजिए, कॉल जरूर लगेगी, और जो स्टोर का टाइमिंग रहेगा वो सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे का टाइम, 7 डेज ओपन रहता है स्टोर, तो आप विजिट कीजिए रेड एंड वाइन पे। तो दोस्तों ये आप लोगों को मतलब एक से एक प्रीमियम और सबसे जबरदस्त वैरायटीज के आप लोगों को वॉलपेपर दिखाए, मतलब आप देख सकते हैं अनकॉमन डिजाइन, अनकॉमन वैरायटीज और सबसे लेटेस्ट ट्रेंडी पैटर्न के वॉलपेपर्स, और बहुत सारे आप लोगों को होम डेकोर प्रोडक्ट्स बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को रेड एंड वाइन पे मिलने वाले हैं, तो किसी को भी लेना हो, अपने घर को सजाना हो, अपने वर्क स्पेस को सजाना हो, तो आप लोग यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सबसे रीजनेबल और सबसे जबरदस्त प्राइसिंग आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आप लोग बनाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं ताकि आप लोग काम काफी ज्यादा आसान हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर बटन उसको दबा करके, उसके वाले घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो बिजली फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफ़रनामा। धन्यवाद।